बीजेपी के कल सांसद ने मन से कहा है कि धनंजय सिंह को हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, इसलिए उनको पैसे और पिस्तौल की जरूरत है। ऐसा है कि वीरेंद्र मस्त जी को मैं बहुत कायदे से जानता हूँ, ठीक है। वो हम लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, किसान नेता बनते हैं, उनको यही नहीं मालूम पेंशन दे रहे हैं वो। अरे ये पेंशन की योजना नहीं है, ये तेलंगाना में केसीआर की एक योजना थी जिसमें उन्होंने पर एकड़ 5,000 रुपये दो फसली के देने की बात की थी। उसी की नकल करने का प्रयास किया भारत सरकार ने, और उसमें जो है इन्होंने 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2,000 रुपये देने की। इस देश में किसी को भिखमंगाई के लिए पैसा मत खैरात मत बांटिए, लोगों को हाथ में रोजगार दीजिए, काम दीजिए लोगों को, उनके किसानों की उपज का उनको उचित मिल्य में उचित बाजार दीजिए, उनको हर ब्लॉक स्तर पे, उनको जिले स्तर पे अच्छी मार्केट दीजिए ताकि अपनी उपज पैदा करें, ले जाके बेच सके अपने, उसको सड़े ना। लोग अनाज सड़ते रहते हैं, अनाज आज तक हम लोग देख रहे हैं पिछले 5-6-7 सालों में जौनपुर में लॉजिस्टिक के नाम पे कुछ नहीं बना, कोल्ड चेन के नाम पे कुछ नहीं बना। आखिर किसान है, किसान जाएगा कहाँ? आप केवल फर्जी बातें करके ये ना, इनके सांसद लोगों को खुद नहीं मालूम है कि भारत सरकार की योजनाएं क्या हैं। ये लोग हवा हवाई झूठ बोलने के एकदम झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं। वास्तविक रूप से भी अगर कोई योजना भारत सरकार, तो भी ये लोग जनता के बीच में बताने में आप पूरी तरीके से अक्षम है। केवल मोदी जी और योगी जी के नाम पे लोग नारा लगा के बस चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीचे की जमीन धीरे धीरे खोखली होती जा रही है भाई। नेता ऊपर से अगर कोई काम करता है, मैं काम कर रहा हूँ, नीचे ग्राउंड पे हमारे वर्कर नहीं ठीक तरीके से चीजों को ले जाएंगे तो हम ऊपर ही रह जाएंगे। तो वही हाल जो हो रहा है, तो मुझे ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इनकी बोली भाषा आप उठा के देखिए, जितने मंचों से लोग बोली बोल रहे हैं इनको, दे आर टारगेटिंग मी। अगर मैं ताकतवर नहीं था यहाँ पर, अगर मेरे साथ जनसमर्थन नहीं है, तो यहाँ पे हमसे क्यों परेशानी? लड़ो ना तुम चुनाव, पूरा प्रशासन पूरा तंत्र हमी को क्यों नाम लेने के चले हो? अब वीरेंद्र मस्त जी को ये बता दूं कि सर भाजपा की योजना नहीं होती, सरकार किसी दल की नहीं होती है, सरकार तिरंगे के नीचे चलती है। कम से कम वो बहुत सीनियर सांसद हैं, सांसदी मर्यादा को समझें और बोली भाषा अपनी अच्छी रखें, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें लोग। और लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, वो चंद्रशेखर जी के साथ बहुत दिन वहीं बैठ के राजनीति किए, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी उनको पहली बार टिकट दिलवा के सांसद बनाया था, वो उनके नहीं हुए तो दूसरे के क्या होंगे? तो कम से कम मर्यादित रहें। चंद्रशेखर जी ने बहुत मर्यादित राजनीति की है इस देश में, अगर उनके साथ रहें, कुछ उनसे अनुसरण किए हों, कुछ सीखे हों, तो कम से कम सभ्य भाषा का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।